शनि पे मंगल भारी, भाई ये कुछ अलग सा नहीं लगा मुझे तो यार, ये सुनकर के ही कुछ अलग सी फीलिंग आने लग गई है। बात करने वाला हूँ कि दिलजीत दोसांझ जो है अपने लाइफ में कितने सारे मूवी कर चुके हैं और अभी भी किए जा रहे हैं। भाई इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे क्या फील हुआ और इसको देखने के बाद आपको क्या मिलने वाला है इस फिल्म के अंदर में, वो मैं बताऊंगा। तो प्लीज यार, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना जरूर। और आपको एक चीज बता दूं यार, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपका कुछ पैसा नहीं कटने वाला है, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शनि पे मंगल भारी जो मैंने ट्रेलर देखा ना बॉस, ये ट्रेलर देखने के बाद तो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग फील हुआ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि दिलजीत दोसांझ जो है एक बहुत ही अच्छे सिंगर है और उनका जो दिल जो है ना बॉस प्योर एक डायमंड है, क्योंकि मैंने जब भी उनको जज के रोल में देखा है, मतलब एज अ जज जब भी उनको मैंने रियलिटी शो में देखा है, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही प्योर लगे हैं मुझे। मतलब उनकी स्माइल जो है ना बहुत ही पॉजिटिव फील करवाती है और वो अपने आप में एक पॉजिटिव बंदे हैं। लेकिन यार जब भी उन्होंने किसी फिल्म के अंदर में खुद को एज अ हीरो पोर्ट्रे किया है, मुझे वो एक्सपेक्टेशन पे जाकर के टच होता हुआ नहीं देखा जो मेरी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई जहां तक कि एक पंजाबी मुंडे की बात है और एक स्टोरी की बात है, वो कॉमेडी तो कर जाते हैं लेकिन यार वो वाली फीलिंग नहीं दे पाते। लेकिन हाँ, गुड न्यूज़ की अगर बात की जाए तो गुड न्यूज़ के अंदर में जो उन्होंने अक्षय कुमार के साथ में रोल प्ले किया है, सच बता रहा हूँ मुझे अक्षय कुमार पे जरा भी मतलब सपोर्ट नहीं था, पूरा सपोर्ट जो है ना दिलजीत दोसांझ के साथ में था, क्योंकि वो जिस तरह से अपने लैंग्वेज को यूटिलाइज किया और जिस तरह से उन्होंने अपने एक पर्सोना दिखाया ना बॉस, यू विल लव दैट कैरेक्टर। अब यहाँ पे बात आती है भाई कि शनि पे मंगल भारी इसमें ये कैसे दिखने वाले, तो सबसे पहले आपको स्टोरी बता देता हूँ जो कि ट्रेलर में देख के समझ में आ रहा है और ये पूरी तरह से एक ओपन स्टोरी है। स्टोरी ये है कि भाई दिलजीत दोसांझ जो है एक बहुत ही सिली कैरेक्टर वाले बंदे का रोल प्ले कर रहे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है। वो जब भी लड़की देखने के लिए जाते हैं और वो सोचते हैं कि यही बनेगी मेरी वाइफ, और उसके बाद से जो है वो सपने देखने शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि उनका शादी टूट जाता है। तो भाई यही चलता रहता है और एक अचानक से एक फाइनल शादी दिखाई जाती है कि फाइनली वहां पे जो वो शादी तय ही हो जाती है, लेकिन उनके सामने में जो है कुछ ऐसे अड़चने आ जाती है जिसकी वजह से वो शादी नहीं हो पाती है, क्योंकि लड़की वालों के हाथ में कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स लग जाते हैं जहां पे वो दारू पीते हुए दिख रहे हैं। अब उनका कहना यह भी होता है कि यार मैंने लाइफ में एक ही बार दारू पी थी, वो भी जब मैं 28 साल का था, साला 28 साल की उम्र में मेरा कोई फोटो कैसे खींच सकता है। मतलब सीरियसली यार, कॉमेडी की एक हद होती है ना, वो पार हो गई इसके अंदर में। अब बात करते हैं कि इनकी अड़चने जो है कौन लेकर के आ रहा है। यहाँ पे भाई एज अ जेम्स बॉन्ड 007 का रोल प्ले करते हुए देखे जा रहे हैं मनोज वाजपेयी, जो के एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट है शादी तोड़वाने के। मतलब इनका काम होता है कि कभी भी किसी की शादी अगर होने वाली है तो ये पहुंच करके उनके अंदर की बुराई को निकाल करके सामने वाली पार्टी के सामने रख देती है और फिर वो शादी टूट जाती है। तो वो इस बारे में एकदम एक्सपर्ट है। अब ऐसा क्यों है, शायद उनका भी कोई बैकग्राउंड स्टोरी होगा, क्योंकि वो किसी की भी शादी नहीं होना देना चाहते, खास करके लड़कों की तो शादी नहीं होने देना चाहते, ऐसा इस ट्रेलर में दिख रहा है। तो भाई इस चीज का पता चल जाता है दिलजीत दोसांझ को और वो एकदम बदला लेने के मूड में आ जाते हैं और बोलते हैं मैं तो इसकी बैंड बजा देनी है, इस मंगल की ना मैं मंगल हटा दूंगा लाइफ में से। तो भाई सीरियसली ऐसा होता है। और एक सीन ऐसा दिखाया जाता है कि फातिमा सना शेख जो है प्यार में पड़ जाती है और वो स्टोरी खुलता है कि फातिमा सना शेख जो है वो मनोज वाजपेयी की बहन है और वो इसके साथ प्यार में पड़ जाती है। और अब कहानी में क्या होगा, मतलब मनोज वाजपेयी जो पूरी दुनिया की खबर रखते हैं, पूरी दुनिया के लोगों की ऐप निकाल करके सामने रखते हैं, उनकी खुद की बहन ने उनसे झूठ बोल करके प्यार करके अब शादी भी करने वाली है। और यहाँ पे पंगा ये हो जाता है कि शादी तो होके रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि एक तरफ बदले की बात है और दूसरी तरफ प्यार भी है। तो भाई यही स्टोरी आपको देखने को मिलने वाला है इस फिल्म के अंदर में। यहाँ पे आपको सारे कैरेक्टर बहुत ही दमदार लगेंगे और इंटरटेनिंग तो यार लग रहे हैं, नो डाउट इंटरटेनिंग है। फातिमा सना शेख की अगर बात की जाए तो भाई गीता बबीता, एज अ गीता बबीता देखा है मैंने और वहां पे तो यार बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। उसके बाद से यार अभी फिलहाल मैंने लूडो के ट्रेलर में देखा है जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब हॉट एंड बॉम्बशेल टाइप लग रही थी यार, कि मतलब क्या चीज लग रही है, मतलब पूरा कैमरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पता है ना कहाँ पे था, बस वहीं पे था। तो आजकल यही चल रहा है शायद इनका और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। बस देखना ये है कि आपको स्टोरी कितने हद तक अच्छी लगने वाली है, क्योंकि ये स्टोरी जो है बॉलीवुड की स्टोरी जैसे होती है वैसे ही है कि हीरो कभी भी नहीं हारता है, हीरो जीतता ही है। बस इसके अंदर में ट्विस्ट एंड टर्न कितने ज्यादा मजेदार हो सकते हैं, कितने ज्यादा आपको गुदगुदा सकते हैं, ये चीज देखने लायक होगी। तो भाई आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा, ट्रेलर रिव्यू बताना जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर के। और आपको वीडियो अच्छा लगा है और आने वाले टाइम पे अगर और भी अपडेट्स चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू टाटा, बाय, साइन ओवर एंड हास्ता ला विस्ता।